Hello student today we will read first lesson of science know our body In this lesson we will learn about bones and muscles and the importance of exercise and good posture. Let us start lesson first know our body ओके okay. देखिए सबसे पहले इस लेसन में हम लोग इसको वन बाय वन पढ़ेंगे और उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं वी यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी टू डू डिफरेंट थिंग्स हम लोग अलग अलग भावों का उपयोग करते हैं शरीर की अलग अलग पार्ट्स का उपयोग करते हैं अलग अलग कार्यों को करने के लिए प्लेस ए हैंड ऑन योर आर्म अपने हाथ को वहाँ पर ले जाइए और लेग्स या फिर पैर पर ले जाइए एंड प्रेस लाइटली और धीरे से उसे दबाइए इज योर आर्म और लेग हार्ड और सॉफ्ट अब देखिए आपका आर्म और लेग हार्ड है कठोर है कड़ा है या सॉफ्ट या मुलायम है नाउ प्लेस ई हैंड ऑन योर स्टोमक एंड प्रेस अब आप अपने हाथ को अपने स्टोमक पर ले जाइए और प्रेस कीजिए इज योर स्टोमक हार्ड और सॉफ्ट आपका इस्टोमक हार्ड है या सॉफ्ट है उसे महसूस कीजिए आवर बॉडी इज मेड ऑफ बोंस एंड मसल्स हमारा शरीर जो है वो हड्डियों और मांसपेशियों से बना हुआ है बॉन्स आर हार्ड वाइल मसल्स आर सॉफ्ट हम लोग जानते हैं कि बोन्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं और मसल्स मांसपेशियां जो होती हैं वो सॉफ्ट होते हैं चलिए अब हम लोग पहले पढ़ते हैं बोन्स के बारे में ए ह्यूमन बॉडी हैज़ टू हंड्रेड सिक्स बोन्स जिसका कि हम लोग जानते हैं हम लोगों के शरीर में दो सौ छः हड्डियाँ हैं ऑल द बोन्स इन द बॉडी ज्वाइंट टुगेदर टू फॉर्म द स्केलेटन और सभी हड्डियाँ आपस में मिलकर एक ढांचे को बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्केलेटन कहते हैं द स्केलेटन गिव सपोर्ट एंड सेप ऑफ टू आवर बॉडी स्केलेटन हमारे शरीर को सपोर्ट प्रदान करता है और हमारे शरीर को सेप प्रदान करता है आकार देता है विदाउट ए स्केल्टन बिना एक कंकाल का वी वुड नॉट एबल टू स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक अगर हमारे शरीर में स्केलेटन नहीं होगा तो हम सही ढंग से खड़े नहीं हो पाएंगे और ना ही चल पाएंगे चलिए अब पेज पलटते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में जाते हैं द स्कल कवर्स एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन स्कल जो है वो हमारे ब्रेन को कवर करता है विच इज सॉफ्ट जो काफ़ी मुलायम होता है रिप्स प्रोटेक्ट आवर हॉट एंड लंग्स और रिप्स क्या करता है हमारे हर्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है उसे सुरक्षा प्रदान करता है कीप ए बुक ऑन द फ्लोर एक किताब को जमीन पर रख दो नाउ ट्राई टू पिक इट अप उसे उठाने की चेष्टा करो विदाउट बेंडिंग बिना झुके हुए योर योर नी और और बैक बिना अपना नी और बैक को झुकाए हुए उसे उठाने की कोशिश करो कैन यू डू इट क्या तुम इसे कर पाओगे नहीं We have to bend our body to do many activities. इसलिए बहुत सारी activities को करने के लिए हमें अपने शरीर को bend करना पड़ता है The place where two or more bones join together is called a joint. तो वह स्थान जहाँ पर दो या दो से अधिक हड्डी आपस में जुटे हुए होते हैं उसे हम joint कहते हैं Joints are the only parts of the body where we can bend. और joint वह जगह है जहाँ पर क्या करते हैं उसी जगह पर हम अपने शरीर को बैंड कर सकते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं मसल्स के बारे में मसल्स आर द सॉफ्टर पार्ट ऑफ आवर बॉडी हमारे शरीर का सबसे मुलायम भाग जो है वो क्या है मांसपेशियां मसल्स आर टू द बोन्स और ये मसल्स जो हैं वो हमारी हड्डियों में सटे हुए रहते हैं अटैच रहते हैं वी कैन मूव लिफ्ट बेंड और डू एक्शंस लाइक स्माइल क्राई एंड सो ऑन बिकॉज ऑफ आवर मसल्स तो हम लोग जैसे कि मूव करते हैं या कुछ चीज़ लिफ्ट करते हैं उठाते हैं या अपने शरीर को बैंड करते हैं या हंसते हैं चिल्लाते हैं ये सब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब बोन्स के सहयोग से ही होता है दे आर मोर देन सिक्स हंड्रेड मसल्स इन आवर बॉडी हमारे शरीर में लगभग लग लग छः सौ से अधिक मांसपेशियाँ हैं एक्सरसाइज रेगुलरली एंड ईटिंग हेल्दी फूड किप्स आवर मसल्स एंड एक्सरसाइज प्रत्येक दिन एक्सरसाइज करने से क्या होता है हमारे बोन्स जो हैं वो क्या होते हैं प्रॉपर वे हेल्दी रहते हैं और हमारा बोन्स भी क्या होता है स्ट्रॉन्ग बनते हैं अब हम लोग पढ़ते हैं पोस्चर के बारे में आसन जिसको हम लोग कहते हैं द पोजिशन इन विच वी होल्ड आवर बॉडी वाइल सीटिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग इज कॉल्ड पोस्चर तो बताया कि वह पोजिशन द पोजिशन इन विच होल्ड आवर बॉडी कि वह पोजिशन जिसमें हम अपने शरीर को रखते हैं जब हम बैठते हैं या फिर हम लोग खड़े होते हैं या फिर हम लोग चलते हैं तो इस समय में जिस परिस्थिति में हम अपने शरीर को रखते हैं उसे हम पोस्चर कहते हैं करेक्ट पोस्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द बॉडी हेल्दी हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अपना पोस्चर भी सही रखना होगा यहाँ देखिए यहाँ बैठने का तरीका बताया गया है देखिए ये बच्चा जो है सही तरीके से बैठा है लेकिन अपने शरीर को बेंड करके दूसरा बच्चा बैठा है ये सही पोस्चर नहीं है फिर नीचे देखिए वी वुड ऑलवेज सीट इन द बैक स्ट्रेट हमेशा हमें सीधे पोस्ट बैक को सीधा करके बैठना चाहिए बेंड करके नहीं और जब हम चलते हैं तो वी शुड ऑलवेज स्टैंड विथ बैक स्ट्रेट और उसी दिशा में हम जब खड़े होते हैं तो हमें सीधा होकर खड़ा होना चाहिए ये नहीं कि बेंड होकर यहाँ देखिए यहाँ चलने का दिया गया है पोस्चर ये सही तरीका है और ये गलत तरीका है अब है अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी बॉडी के हमारे शरीर में जो और दूसरे भाग हैं उसके बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ है सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज तो कुछ भाग जो है हमारे शरीर की वो क्या करते हैं डेली एक्टिविटीज करते रहते हैं हमेशा उनका काम होता है जैसे लाइक ब्रीथ श्वास लेना एंड डाइजे डाइजेस्टिंग फूड भोजन का पचाना तो ये पाचन और श्वास लेना ये हम लोग जो हमारे शरीर जो काम करते हैं ये हमेशा करते रहते हैं दिस पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेन और इस सब पार्ट्स को हम लोग क्या कहते है? हैं ऑर्गेन कहते हैं द लंग्स हेल्प अस टू ब्रीथ लंग्स जो है वो श्वास लेने में मदद करता है द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी heart क्या करता है संपूर्ण शरीर में ब्लड को फैलाता है द स्टोमैक हेल्प्स इन digesting फूड और स्टोमैक जो अमाशे जो होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है भोजन को पचाने का काम करता है आवर ब्रेन us to think और ब्रेन जो है वो सोचने का काम करता है इट इज़ वेरी सॉफ्ट वो बहुत ही मुलायम होता है और द स्कल कवर द कवर एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन और स्कल जो है वो ब्रेन को कवर करता है और उसे सुरक्षा प्रदान करता है चलिए अब नेक्स्ट पेज जाते हैं अब नेक्स्ट पेज पर देखिए आपका एक्सरसाइज आ रहा है लर्निंग टाइम इसमें से ए बी सी करके जैसे कि ए में दिया हुआ है टिक द करेक्ट ऑप्शन बी में दिया हुआ है चूज वर्ड फ्रॉम द हिल बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स और थर्ड में दिया हुआ है आपका राइट ट्रू फॉल्स ये तीनों एक्टिविटीज आप कीजिए कॉपी में नीट एंड क्लीन एकदम साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखिए और अच्छे से ऐसे भेजिए कि ताकि हमें स्पष्ट दिखाई पड़े इसको पोस्ट कीजिए इसको हम चेक करेंगे कौन कौन बच्चे सही करते हैं उसको वेरी गुड मिलेगा जो बच्चे गलत करते हैं उसका सही करके उसे बता दिया जाएगा ओके थैंक यू